डिबेट हुआ, जो आप लोग ने अपनी बातें रखी वो बातें काफी अच्छी रही, और इसमें ऐसे बहुत सारे पहलू भी हमारे सामने आए जिसके बारे में शायद आप लोग को भी नहीं पता था, और शायद जिसके बारे में आप ने जरूरी है, क्योंकि अगर जबलपुर को स्मार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें पता था कि हमें सिटी की कमियां क्या है, या ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रनिंग में है लेकिन उनके बारे में भी हमें पता नहीं रहते। तो मैं एट कंक्लूजन पॉइंट में सबसे पहले 20 ऐसे प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ जो स्मार्ट सिटी के कारण चालू जरूर हुए, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन में काफी दिक्कतें हैं और रिजल्ट्स आप देख पा रहे कि रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे। तो पहले मैं 20 प्रोजेक्ट ऐसे जो बता रहा हूँ जो हमें मिले और काफी हद तक इसकी चर्चा दूर दूर तक भी हो रही है। तो हमें सबसे पहले जो समय चर्चित प्रोजेक्ट हुआ फ्लाईओवर, तो सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर को मिला, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें चलो ये मौका मिला, क्योंकि ज्यादातर ये कहा जाता है कि जबलपुर एमपी में कुछ भी अगर होता तो पहले इंदौर भोपाल को दिया जाता है, उसके बाद में जबलपुर को मौका मिलता, तो हमें फ्लाईओवर मिला, सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। तो दूसरी बात, हमारा रेलवे स्टेशन लगातार स्मार्ट हो रहा है, तो यह हमें गर्व की बात है कि हम लोग लगातार एक स्मार्ट रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी हर बड़े महानगर से बहुत तेज की गई। लास्ट ईयर में 2-3 साल पहले हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हुआ, तो जो फास्ट रेलवे जो है, जो इतने दिनों से डीजल से ऑपरेटेड रेलवे चल रहे थे, उसकी जगह में इलेक्ट्रिफाइड रेलवे मिले, ट्रैक्स हमारे जल्दी सुधार दिए गए, आज हर जगह हम लोग बहुत स्पीड से जा पा रहे हैं, और जल्दी हमारे यहाँ पे नए रेलवे भी आ रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जबलपुर स्टेशन का हुआ, तो जिससे जबलपुर का भी ग्रोथ अब तेज होगा और जल्दी प्राइवेट ट्रैक्स भी बनेंगे। रेलवे की बात करें तो हैदराबाद और साउथ से कनेक्टिविटी हमें जल्दी मिल चुकी है, तो इसके कारण अब आप लोग के लिए एक अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप बहुत जल्दी साउथ इंडिया यानी नागपुर में या हैदराबाद में पहुंच सकते हो, और वहाँ की कंपनियां जबलपुर में आ सकती है, तो कनेक्टिविटी भी साउथ का सपना भी हमारा पूरा हुआ। तीसरा चीज है एयरपोर्ट एक्सटेंशन हो रहा है, जिसकी बात अभी हाल ही में हुई थी, इसका फायदा अभी भले हमें ना दिखे पर एट फ्यूचर हमें इसका फायदा क्या दिखेगा कि हमारे पास जो बड़े सिटीज की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी, और जो हमारे एक सपना है कि बैंगलोर से कनेक्टिविटी रेगुलर हो जाए, रेगुलर फ्लाइट की बात विरोधी टीम ने की थी, रेगुलर फ्लाइट नहीं हमारे पास, तो रेगुलर फ्लाइट की तरफ कम से कम हम आगे तो बढ़े, कई सालों से हमारा ढूंढना जो था उसमें फ्लाइट ही नहीं मिलते थे, तो अब रेगुलर फ्लाइट्स मिले, हमें एयर शटल भी ढूंढना में जाने के लिए मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम थोड़ा सा आने वाले 5-7 साल में हमें शायद कुछ उम्मीद है कि हो जाएगा। हालांकि एक अच्छी बात हमारे विरोधी टीम ने ये कही कि जब तक ये होगा तब तक हमारे परपोते खेलेंगे, दुखी बात ये है, ये डाउट नहीं है कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब तक होगा तो हमारे ऊपर टाइम जा चुका होगा, तो ये हमारे लिए दुखी बात है कि जब तक हमारी सिटी रियली स्मार्ट बन कर गया तो हमारे लिए वो जो गोल्डन टाइम जो कैरियर बनाने का था या बिजनेस करने का था वो तो निकल गया, और हमारे बच्चों को शायद वो अच्छा दिन मिले, वो भी इसमें भी शायद बढ़ गई है। नंबर चौथा है कि जबलपुर में हालांकि अंदर की रोड्स के बारे में काफी चर्चाएं होती है खराब है, लेकिन कनेक्टिविटी बाहर के रोड्स की काफी अच्छी दिख रही है आपको, मतलब हमारे भोपाल के आप हाईवे देखे, नागपुर हाईवे देखे, तो हाईवे अच्छे होने से क्या हो रहा है कि हमारे जबलपुर से जल्दी हम लोग कहां दूसरी सिटीज में पहुंच पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि आने वाले समय में हम अपने पर्सनल व्हीकल से दूसरी सिटी में जा सकते हैं, हमें ट्रेन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। पांचवी पॉइंट ये है, एक्सेस साइकिल की शुरुआत बहुत अच्छी थी और काफी लोगों को प्रेरित भी करने की बात हुई थी कि एनवायरमेंट बचाए, साइकिल चलाए, शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि अधिकतर प्रोजेक्ट्स के साथ होता है, शुरुआत होती है उसके बाद खुद ही डैमेज हो जाती है, लेकिन इनिशिएटिव कम से कम मौका मिला, हमें भी थोड़ी दिन के लिए फीलिंग आई कि चलो हमारे यहाँ इंदौर भोपाल की तरफ एक्सेस साइकिल्स रखे गए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट ज्यादा चल नहीं पाया। सिक्स्थ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की जो बात हुई, जिसमें काफी अभी पॉइंट्स आप लोगों ने भी रखे, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हमारे यहाँ पे काफी अच्छा बनाया गया, लेकिन उसके मैनेजमेंट के लायक ना होने के चक्कर में अभी जैसे हमें शांति भाई ने बोला कि काफी उसमें कर्जा भी चल गया उसमें, और अब पैसा पहुंच चुका है, इसको लेकर लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो शुरुआत तो हुई। सातवां पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर भी बनाया गया, काफी समय से बात चल रही थी कि इंदौर की तरह हमारे यहाँ पे कुछ हो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, जहाँ से चालान भी कटे, जहाँ से नजर रखी जाए, शुरुआत अच्छी भी हुई थी, बीच में जो चालान भी कईयों को घर में पहुंचे, कई लोग कहते थे चालान कट गया, पहुंच गया चालान, अब तो कोई गुस्सा ही नहीं है, ठीक है, अब तो वो बंदी हो चुका है, लेकिन फिर से शुरुआत हुई, लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। आठवां पॉइंट, गुलगुआ ताल को काफी अच्छा बनाया गया, इस चीज में तो हम लोग को तारीफ करनी चाहिए कि चलो एक ताल तो कम से कम अच्छा हुआ, हालांकि इसके पीछे सुपा ताल भी अच्छा बनते बनते रह गया, ठीक है, देवताल तो बन ही रहा है, ठीक है, तो गुलगुआ ताल के लिए भी है कि चलो गुलगुआ ताल तो कम से कम एक अच्छा लुक तो दे दिया, एक ताल तो कम से कम उनके लुक में आया। नौवां, स्मार्ट पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई, कार की पार्किंग के लिए बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं कि पूरे सिटी सेंटर में बनाया गया, सब जगह स्टार्ट किया गया, तो कम से कम शुरुआत तो हुई, हमें भी यहाँ भी जो कार बेहतर थी खड़ी रहती थी, उनको कम से कम शुरुआती तौर पे हम लोग लाए तो
लेकिन हाँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम यूथ को क्या करना पड़ेगा, सरकार से थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा कि सर जब आप चालू कर दो तो आगे तो बढ़ाओ। हमारी आज की जो मीटिंग है इसमें ये है कि भाई ये सब चीजें अगर चालू हो रही तो अगर ये चीज डैमेज अगर होती है तो गवर्नमेंट से मांग किसको करना चाहिए, हम यूथ को। तो हम लोग को मतलब सरकार से मांग करनी चाहिए कि सर अगर आप स्टार्ट कर दो तो इसको आगे भी बढ़ाया, जैसे बाकी शहरों में यूथ जो है वो एक्टिव रहता है। तो वो क्या करता है, सरकार से मांग भी करता है कि सर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अपनी भी जिम्मेदारी समझते हैं। तो हमें अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दसवां, सोलर रूफ की बात हमारे बीच में की गई थी, तो सोलर रूफ की शुरुआत तो हुई, हालांकि इतना ज्यादा अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन एक इनिशिएटिव अच्छा है। आप लोग भी अगर चाहे तो सोलर रूफ के बारे में लोगों को जागृत कर सकते हैं कि सर सोलर रूफ लगाए, इससे आप अपने बिजली की जरूरत को भी कम कर सकते हो, बिजली बिल भी काम आएगा, सब्सिडी भी मिलती है। इस बात को हमें जागरूक करना चाहिए स्मार्ट सिटी मेंबर होने के नाते। जबलपुर 311 ऐप एक आया था, ठीक है, 311 ऐप के बारे में भी अवेयरनेस ही इशू बनी थी कि क्या 311 ऐप ने किया। इस ऐप ने क्या किया था, सारी जो जबलपुर नगर निगम में सर्विसेज थी उसको उठा के एक जगह क्या किया, प्लॉट कर दिया था। लेकिन क्योंकि हमारे जबलपुर में एक दुख की बात हमारे साथ ये भी है कि हम सरकार को दोष बहुत दे रहे, लेकिन हम अपने अवेयरनेस में भी क्या जाते हैं, हमें ये तक नहीं पता कि हमारे जबलपुर में हो क्या रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करें, एक्सपेंड नहीं करते, और अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अच्छा हो रहा है तो उसको फैलाए, और अगर नहीं हो रहा तो आवाज तो उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने सांसद विधायकों से, पार्षदों से, अपने महापौर से, अपने कलेक्टर से बात करें कि भाई हमारे यहाँ पे विकास होना चाहिए। 13, पूरे जबलपुर को GIS सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, यानी अब आप गूगल के द्वारा ये सर्च कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है, पूरी आपको डिटेल्स मिल जाती है, रोड आपको पता चल जाता है। तो चलिए ये भी अच्छी बात है कि GIS सिटी आज हमारे बन रहा है। ई रिक्शा के चार्जिंग स्टेशन के रूप में भी जबलपुर में कई चीजें डेवलप की जा रही है कि ई रिक्शा को प्रमोट किया गया, हालांकि इसके साथ भी वही हुआ, स्टार्टिंग हुई उसके बाद वो थोड़ा धीमा पड़ा, और हमने क्योंकि सरकार पे दबाव नहीं बनाया तो सरकार ने भी धीरे से लीव आउट कर दिया, जबकि आप देखते हैं कि भोपाल महानगर में ई रिक्शा काफी चल रहा है। और चार्जिंग स्टेशन आप जरा देखिएगा, एक वर्कआउट भी मैं आपको दे रहा हूँ, क्या ई रिक्शा के चार्जिंग स्टेशन बने, नहीं बने, जबकि चार्जिंग स्टेशन का स्मार्ट सिटी में लांग था। तो अगर ई रिक्शा को प्रमोट करना है तो चार्जिंग स्टेशन आप अपने घर में ना चार्ज करें, आप कहीं पे गाड़ी अगर आपकी ई रिक्शा डाउन हो गई तो चार्ज कैसे करेंगे आप, जब जैसे पेट्रोल पंप होता है गाड़ी डाउन हुई पेट्रोल आपने भरा लिया। 15 पॉइंट, हमारे यहाँ जे कार्ड की भी सुविधा स्टार्ट की गई थी सरकार के द्वारा, और जे कार्ड काफी अच्छा माना गया था, जैसे इंदौर और भोपाल की तरह हमारे यहाँ पे और हैदराबाद बैंगलोर की तरह शुरुआत हुई थी, पर ये सुविधा भी आई और किसी को पता ही नहीं चला कब आई, और किसी ने इसको एक्सप्रेस भी नहीं किया। तो आप सबको ये ध्यान रखना कि कोई भी अगर नई सुविधा चालू होती है तो उसको क्या करें आप, एक्सप्रेस करें। 16, हमारे यहाँ पे स्मार्ट टूरिज्म के रूप में जबलपुर स्मार्ट टूरिज्म में काफी वेबसाइट बनी, बड़ी बड़ी चर्चाएं चली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी देखा कि यहाँ के लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो यहाँ के लोग उन्हें छोड़ दिया, जबकि आप देखते गुजरात टूरिज्म की अगर बात करें तो गुजरात टूरिज्म में गुजरात खुद ऐड करा था, गुजरात के लोग भी कहते हैं कि आइए गुजरात, कभी तो आइए गुजरात, हम लोग कहते हैं कभी तो आइए कहते नहीं, हम लोग उल्टा कहते हैं मत आइए, आप आ रही नहीं, अगर आए तो कैंसिल करा दीजिए टिकट, ठीक है। आपका ये मेन मकसद होना चाहिए कि जबलपुर आइए तो कम से कम, क्योंकि टूरिज्म बढ़ता है तो आप सरकार के ऊपर दबाव बनता है कि वो इंफ्रा को ठीक करे। हमारे पे इंफ्रा ठीक क्यों नहीं, क्योंकि कोई ज्यादा ही नहीं है, अगर टूरिज्म ज्यादा बढ़ जाए तो भेड़ाघाट की रोडें क्यों ना ठीक हो जाए, तो भेड़ाघाट में सिक्योरिटी क्यों ना ठीक हो जाए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो रास्ते में आप कहते हैं अनिमन रोड है तो ये क्यों ना ठीक हो। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो सब कुछ सरकार करेगी। 18th पॉइंट है, स्मार्ट डस्टबिन का स्टार्टिंग हुआ, फर्स्ट स्मार्ट डस्टबिन में भी यही था कि डस्टबिन लगे और उखड़ गए, और इसमें एक अच्छी बात विरोधी टीम की बीच में बात आई कि लोगों को ये नहीं पता था गीला और सूखा कचरा कहाँ डालना है, यानी सब घूम फिर के जो विस्तार फाउंडेशन लगातार बोलता है कि अवेयरनेस बढ़ाइए, वही वाली बात हुई, सरकार ने सब कुछ दिया, हमने क्योंकि अवेयर नहीं थे तो हम उसको यूज नहीं कर पाए, और इतना तो गवर्नमेंट ने धीरे से क्या किया, उसको खींच भी लिया, और हम लोग सिर्फ वो दोष देते रह गए कि हमारा जबलपुर स्मार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो सिर्फ गवर्नमेंट को हमें चैलेंज नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सरकार को सौगात दे रही तो क्या हम उसको आगे बढ़ा पा रहे। 19th पॉइंट जो है वो है नॉन मोटराइज्ड पेडेस्ट्रियल ट्रैक्स भी बनाए गए, आप रामपुर से लेकर गौरीघाट तक जाते ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था चलने फिरने के लिए, अब लोग चलते फिरते कि नहीं ये तो उनको पता जो सुबह उठते हैं, लेकिन उस जगह जब टपड़े मार के खड़े हुए तो किसी ने कुछ कंप्लेन नहीं किया, जबकि इंदौर जैसे सिटी में अगर आप ऐसा करें तो फोटो खींच कर सीधा कंप्लेन होता है यहाँ पे। तो हमें ग्रीन कॉरिडोर भी दिया गया, हमने उसको जब माना नहीं, और जब सरकार ने देखा कि यहाँ के लोग आप टपड़ा खरीद खड़ा कर दो, आप वहां पे कार पार्क करके निकल जाओ, कुछ बोलते नहीं आगे लोग, तो गवर्नमेंट कहां तक ध्यान देगी। एक अच्छा पॉइंट फेवर टीम ने बोला था कि हर चीज मोदी जी नहीं कर सकते, हर चीज सीएम साहब नहीं कर सकते, हर चीज कलेक्टर साहब नहीं कर सकते, तो सौगात अगर मिली तो सौगात को आगे बढ़ाना हमारा काम था,
और अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा था तो हमने कितने कंप्लेंट मारे और हमने कितने हड़ताल किए। आप अगर जबलपुर को छोड़ दो तो बाकी हर शहर में छोटी मोटी चीजों के लिए भी ध्यान रखना कंप्लेंट करने की लिस्टिंग हो जाती है। हमारे यहाँ पे तो अगर कोई रोड बार बार बना के वापस उसको डैमेज किया जाता है तो भी हम लोग कभी आज तक कंप्लेंट नहीं करते। जनहित याचिका हम लोग नहीं करते, हमारे पास हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट हमारे पास जनहित याचिका कहाँ से आती है, रीवा से आती है। सतना वाले जनहित याचिका लगाते हैं, जबलपुर वाले ने लगाया कभी कि सर हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है। और लास्ट 20th पॉइंट, स्मार्ट स्कूल की भी शुरुआत यहाँ पे की गई लेकिन दिल्ली के तर्ज पे वैसे बन नहीं पाए, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं। एट द एंड ऑफ द डिबेट जो मैं विस्तार फाउंडेशन की तरफ से जो एक कंक्लूजन में मैं पहुंच रहा हूँ, काफी अच्छी तैयारी थी हमारे जो विरोधियों की, विरोधियों ने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए और जो फेवर में भी काफी अच्छे पॉइंट्स आए। ऑफकोर्स विरोधियों का थोड़ा सा पलड़ा भारी इसलिए भी था क्योंकि पॉइंट्स बाकी ज्यादा जो है विरोध में है जो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन इस पूरे डिबेट का जो सार जो मैं आपको दो वर्ड्स में बता रहा हूँ ये है कि हमें यहाँ पे दो चीजों में जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है कि आपके शहर में अगर कोई सौगात मिलती तो उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एमपी अगर कुछ कर रही है तो उसको फैलाए ना कि अपने जबलपुर को ज्यादा बनना हो। और दूसरा क्या है, अगर कोई चीज अगर आपसे छिन रही है तो उसका विरोध भी करे, सीधी सी बात है, क्योंकि विरोध करने का अधिकार अगर कटनी वाले को, अगर सतना वाले को, रीवा वाले को, तो हम जबलपुर वालों को भी विरोध करने का अधिकार है, तो आप उसका विरोध जरूर करें। आप लोग एक ऐसा पैनल बनाए जिससे जबलपुर का नाम रोशन हो, जबलपुर की ऐसी कई चीजें हैं, विरासत है जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं है, उनके बारे में आपको पता हो, आप लोगों को बताएं। और अपनी सिटी को जितना ज्यादा हम डेवलप कर सके उतना अच्छा है। एक जो बेसिक जो हम और सजिन सर भी कई बार वर्क करते हुए आपको देखेगा कि हम लोग अवेयरनेस पे काम करते हैं, तो आप लोगों की सोच को बदले, क्योंकि सोच बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। क्योंकि इंदौर इसलिए आज हमसे आगे है क्योंकि उनके सोच हमसे ज्यादा अच्छी है जबकि हमारी सोच काफी खराब है। एट द एंड अब रिजल्ट्स का टाइम आ चुका है, आप लोगों ने काफी 1.5-2 घंटे जो है प्रैक्टिकल मतलब एक दूसरे से बात किया, प्रैक्टिकल पॉइंट्स काफी आपने बताए और इस डिबेट के लिए 4-4 घंटे के सेशंस भी आप लोग के आपस में चलते रहे जिससे कई लोगों को बहुत दिक्कतें भी हुई। एट द एंड जो विस्तार फाउंडेशन के द्वारा जो विजेता जिस टीम को घोषित किया जा रहा है वो अफकोर्स सबको पता ही है क्योंकि एक तरफ पहला ज्यादा चुप गया था, तो हमारी जो विरोधी टीम है उसको विजेता घोषित किया जा रहा है। ठीक है, तैयारी लेवल बहुत अच्छी थी और उन्होंने हर चीज के साक्ष्य जो है वो बताए, जबकि आप लोग ने हर चीज बताया लेकिन प्रतिभा जी को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर साक्ष्य सामने नहीं आए, मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ किसी के पास नहीं था। प्रतिभा जी ने अच्छा प्रैक्टिकल प्रूफ बताया इसलिए तालियां बजती है। उन्होंने तो बताया कि भारत को किस रेंज में लाया गया, तो एक शील्ड विस्तार फाउंडेशन जो है वो कप्तान साहब को देने वाले, ठीक है, और साथ में रनर अप के कप्तान को भी शील्ड दिया जाएगा और साथ में जो सबसे अच्छा जिसने आज बोला है उसको भी एक शील्ड विस्तार फाउंडेशन देगा। सबसे पहले तो आपकी जो अभी मैंने डिबेट सुना आपने चुका, मैं इसी फ्लो में चाह रहा था कि सभी लोग आने वाले समय में बोले, ये जीडी करवाने का यही मेन मकसद है मेरा कि आज सभी लोगों ने बोले, जो बच्चे शांत थे उन्होंने सभी ने बोला और सभी आवाज बोली, लेकिन जिस तरह से आपने पॉइंट्स लिया आज जिस तरह से फ्लो में रखे, मैं अपना भी लेवल उतने ही लेवल तक लाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सीक्वेंस ऑफ पॉइंट पॉइंट का, अब इसमें कोई सवाल जवाब भी करेगा तो बहुत मुश्किल होगा, तो सर के लिए एक बार बहुत बहुत।